अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी तबीयत है, खैरियत से हैं आप लोग? बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई, मैसेजेस आए कि भाई टाइल की मेजरमेंट कैसे निकालते हैं वो बता दें। तो मैंने बोला चलें एक वीडियो बनाता चलूँ कंप्यूटराइज तरीके से, कोशिश करूँगा आपको समझाने की, उम्मीद है समझ आएगी आपको। फिर भी अगर ना समझ आए तो वीडियो में नंबर मिल जाएगा, उसमें आप मैसेज कर दें, मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली पूछ सकते हैं। टाइल की मेजरमेंट निकालने में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या होगा, आप मार्केट में जाते हैं ना जब टाइल्स लेने, तो होता ये है कि आपको ये डर रहता है यार मेरे को माल पूरा मिला है या नहीं, क्या टाइल्स जितनी मेरे को क्वांटिटी में चाहिए। जैसे लेट सपोज आपको 20 स्क्वायर मीटर चाहिए तो आपको 20 स्क्वायर मीटर ही टाइल्स मिली है। लेकिन अगर मैं आपको ये जो मेथड सिखा दूंगा फिर उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी कि आपका टाइल वाला भी अगर आपको टाइल का साइज बताएगा या मेजरमेंट निकाल के देगा आपका कॉन्ट्रैक्टर या टाइल फिक्सर, तो आप खुद ही विद इन 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगते, आप खुद ही घर बैठे टाइल्स निकाल सकते हैं और टाइल्स आसानी से मंगवा भी सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कंप्यूटराइज तरीके से, कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। मेजरमेंट निकालना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली हमारे पास जो साइज़ देते हैं ना हमारे टाइल फिक्सर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह या इंजीनियर, वो देते हैं स्क्वायर फिट में। तो हमें करना क्या होता है, स्क्वायर फिट को कन्वर्ट करना होता है स्क्वायर मीटर में। आइए मैं आपको बताता हूँ कि स्क्वायर फिट से स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक वॉशरूम है जिसकी चौड़ाई है 8 फिट और उसकी ऊंचाई है 7 फिट। नॉर्मली एक वॉशरूम में 4 दीवारें होती हैं, एक फर्श होता है, एक दीवार वो होती है जिसमें के साथ जो आपका दरवाज़ा होता है वो होता है, यानी वो 2.5 फिट का दरवाज़ा माइनस होगा। मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ। एक दीवार हो गई हमारी 8 फिट की, जिसकी चौड़ाई है 8 फिट, ऊंचाई है 7 फिट, यानी 7 फिट तक हमने टाइल लगानी है। 8 फिट को जब मैं 7 फिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 स्क्वायर फिट आ जाएगा। ये एक दीवार का हमारा स्क्वायर फिट आ गया। अब हम इसको आगे चल के स्क्वायर मीटर में भी कन्वर्ट करके दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये मैंने क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर फिट डिवाइडेड बाय 10.76। वाई 10.76 का मतलब, यानी ये एक फार्मूला है 10.76 स्क्वायर फिट से जब भी हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हमें क्या करना होगा। जैसे 56 स्क्वायर फिट एक दीवार का आया है, उसको हम डिवाइड करेंगे 10.76 से, तो हमारा एग्जैक्ट स्क्वायर मीटर आ जाएगा 5.2 स्क्वायर मीटर। अब एक वाशरूम है मिसाल के तौर पर जिसकी 2 दीवारें हो गई लंबाई वाली, 2 दीवारें हो गई चौड़ाई वाली। अभी हम स्केच बना के आपको समझाता हूँ मैं, जैसे कंप्यूटर पे बन रहा है लाइन ड्रॉ हो रही है। वॉशरूम जो है कंप्लीट वॉशरूम है, अटैच बाथ जो होता है या सिंगल वॉशरूम हो, कोई भी वॉशरूम हो, उसका साइज़ निकलेगा कैसे, इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा। मैंने आपको शुरू में भी बताया, मैं अभी भी बता रहा हूँ, साइज़ आप खुद निकाल सकते हैं, घर बैठे निकाल सकते हैं, आपका टाइम सेव हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर एक वॉशरूम है हमारा जिसकी 8 फिट चौड़ाई है, लंबाई 8 फिट है सॉरी, और चौड़ाई 4 फिट है, यानी 8 फिट बाई 4 फिट का वॉशरूम है। अब 8 फिट बाई 4 फिट वॉशरूम हम कैसे बोलेंगे, जैसे फर्श की जो लंबाई है वो 8 फिट है और चौड़ाई है वो 4 फिट है, जाहिर सी बात है। अब हमारा सवाल एक उठता है कि हम दीवार पे टाइल्स कितनी हाइट तक लगाते हैं, तो आपने देखा होगा 7 फिट लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा प्रोसेस आगे अगर बढ़ाएंगे तो 8 फिट बाई 4 फिट का हमारा ये वॉशरूम आ गया, जिसका स्केच आपके सामने दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं 4 दीवारें होती हैं नॉर्मली, एक फर्श होता है। अब लेंथ जो है यानी जो उसकी चौड़ाई है वो 8 फिट है और जो हाइट है यानी 7 फिट तक हम टाइल लगाएंगे, तो एक वॉल हमारी हो गई 8 फिट बाई 7 फिट, जिसका स्क्वायर फिट निकल के आता है 56 स्क्वायर फिट, जिसको हम डिवाइड करेंगे 10.76 से, तो हमारा स्क्वायर मीटर आ जाएगा 5.2 स्क्वायर मीटर। इसी तरह सेकंड रो में भी सेकंड वॉल जो है वो भी हमारी सेम ऐसी होगी 8 फिट बाई 7 फिट, इसको जब हम मल्टीप्लाई करा हमने 56 स्क्वायर फिट आया, इसको हमने डिवाइड करा 10.76 से, तो हमारा 5.2 स्क्वायर मीटर आ गया। अब 2 दीवारें जाहिर सी बात है हमारी लंबी हैं तो 8 फिट बाई 7 फिट की हो गई, तीसरी दीवार जो है हमारी 4 फिट बाई 7 फिट की होगी, जब 4 × 7 करेंगे तो 28 स्क्वायर फिट आएगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे 10.76 से, इज इक्वल टू जैसे ही होगा 2.6 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ऐसे ही हमारी चौथी जो दीवार है ना उसके साथ आपका दरवाज़ा होगा। नॉर्मली क्या होता है, हम 2.5 फिट का दरवाज़ा होता है, लेकिन आपकी वेस्टेज वगैरह
सेव हो जाए तो हम 2 फिट माइनस करते हैं, यानी 4 फिट बाई 7 फिट इज इक्वल टू 28 स्क्वायर फिट तीसरी दीवार में हुआ था। चौथी दीवार में जब हमने 2 फिट का दरवाज़ा माइनस किया तो ये हो गया 2 फिट बाई 7 फिट इज इक्वल टू 14 स्क्वायर फिट डिवाइडेड बाई 10.76 इज इक्वल टू 1.3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, देखें 4 हमारी वॉल हो गई 8 बाई 7 फिट की, 2 हो गई 4 फिट बाई 7 फिट की, 1 हो गई और 2 फिट बाई 7 फिट की 1 हो गई, यानी दरवाज़ा जिसमें से हमने माइनस किया था। अब हमारा फ्लोर आ गया, फ्लोर आपको पता है 8 बाई 4 फिट का है, 8 फिट बाई 4 फिट का जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 स्क्वायर फिट आता है, इसको हम डिवाइड जब करेंगे तो 10.76 से डिवाइड करा इज इक्वल टू 3.3 स्क्वायर मीटर आ गया। अब ये जितना भी स्क्वायर मीटर हमने निकाला है इसको हम टोटल करेंगे यानी ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट जो आ रहा है 17.3 स्क्वायर मीटर आ रहा है। लेकिन इसको हम समझने के लिए, जैसे आपको दुकानदार को आपसे पूछेगा कि भाई कितने स्क्वायर मीटर आपको टाइल्स चाहिए, तो आप बोल सकते हैं 17.5 स्क्वायर मीटर टाइल्स लगेगी। 17.5 क्यों बोलेंगे, इससे आपकी जो वेस्टेज होगी या टाइल लगाते हुए कारीगर से टाइल अगर डैमेज हो जाती है या टूट जाती है तो आपको दोबारा टाइल के 1-2 पीस लेने के लिए मार्केट आना नहीं पड़ेगा। इसी तरह सेकंड वॉशरूम का जो तरीका है निकालने का, 2 तरीके होते हैं टाइल्स का साइज़ निकालने के ना, एक मैंने बताया कि सिंगल सिंगल वॉल की मेजरमेंट कैसे होती है, ये दूसरा जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, 4 दीवारें हैं आपको पता है नॉर्मली एक वॉशरूम में 4 दीवारें होती हैं। अब ये वॉशरूम जो है इसमें हम क्या करेंगे, 4 दीवारें हैं ना, 8 बाई 4 का वॉशरूम है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 यानी लपेट जो है आपके वॉशरूम की इसको हम ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 24 रनिंग फिट, स्क्वायर फिट नहीं रनिंग फिट, 24 रनिंग फिट में से माइनस कर देंगे 2 फिट का डोर आपका जो है यानी वॉशरूम का जो दरवाज़ा होगा, तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर फिट। अब 22 स्क्वायर फिट जो है ये हमारा रनिंग आ गया, आप देख सकते हैं। अब 22 स्क्वायर फिट को आप क्या करेंगे, यानी जितनी हाइट तक आपको वॉशरूम में टाइल्स लगानी हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें ये लिखा हुआ है 22 स्क्वायर फिट मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 7 फिट तक मुझे टाइल लगानी है इज इक्वल टू 154 स्क्वायर फिट, ये मेरा टोटल स्क्वायर फिट आ गया वॉल्स पर जो जो टाइल्स लगेंगी उसका। ये भी एक तरीका है, बहुत आसान है। अब दीवारें तो हो गई, अब फ्लोर कैसे निकलेगा, फ्लोर का वही मेथड है, 8 बाई 4 का फर्श है मल्टीप्लाई करा 32 स्क्वायर फिट आ गया। अब हमने क्या करना है, 154 स्क्वायर फिट की वॉल्स हो गई, 32 स्क्वायर फिट हमारा आया था फ्लोर का, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 186 स्क्वायर फिट आ गया। अब 186 स्क्वायर फिट को डिवाइड करेंगे हम 10.76 से, जैसे ही हम 10.76 से डिवाइड करेंगे हमारा ऑटोमेटिकली स्क्वायर मीटर निकल के आ जाएगा, सेम वही आया जो मैंने पहले मेथड में बताया था, एज इट इज़ सेकंड मेथड में भी 17.3 स्क्वायर मीटर आया। यही 2 तरीके थे जिसमें मैं समझता हूँ आपको समझ आ गए होंगे किस तरीके से सिंगल सिंगल आप वॉल्स की टाइल की मेजरमेंट निकाल सकते हैं, और अगर आपको रनिंग फिट में निकालना है रनिंग फिट में निकालना है, स्क्वायर फिट में निकालना है स्क्वायर फिट में निकालना है, किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये 2 तरीके मुझे पता थे तो मैंने सोचा आपसे शेयर करता चलूं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, अगर आपको समझ आ जाती हैं कोई वीडियोस में टाइल्स वगैरह तो आप भाई से रब्ता कर सकते हैं, रेट वगैरह भी आपको इंशाल्लाह डिस्काउंटेड मिलेंगे। मेरी कोशिश थी आपको टाइल की मेजरमेंट सिखाता चलूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।